नंदेड़ा उपचुनाव के लिए भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार करते हुए अजय चंद्राकर ने नान घोटाले की जांच में सरकार की नैतिकता पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नान घोटाले में सरकार अभियुक्तों के कहने पर जांच करवा रही है, अगर सरकार में नैतिकता है तो बस्तर में पीसीएस घोटाले और गीदाम घोटाले की भी जांच कराए, बस्तर में गरीब के खाने में डकैती हो रही है। साथ ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दंतेवाड़ा चुनाव जीत रही है, कांग्रेस सिर्फ खरीद फरोख्त में लगी हुई है और फिर कांग्रेस जुबानी जंग खोलते हुए आए, लगातार उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप जमकर किया जा रहा है। 23 सितंबर को दंतेवाड़ा में मतदान होना है और 21 सितंबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। और इसी बीच अजय चंद्राकर ने नान घोटाले की जांच और छत्तीसगढ़ सरकार की नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए, साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करना चाहूंगा कि थोड़ी भी नैतिकता है तो बस्तर में पीडीएस के चावल में जो घोटाला हो रहा है, गीदम में जो पीडीएस के चावल का घोटाला हुआ है और एक छोटे से कर्मचारी को फंसाया जा रहा है, बस्तर के दंतेवाड़ा के इस निर्वाचन क्षेत्र के बच्चे बच्चे को मालूम है कि यहाँ के गरीब के खाने के चावल में डकैती हो रही है, क्या उसको वो एसआईटी के जांच के बिंदुओं में शामिल करके नैतिकता का प्रदर्शन करेंगे क्या?